हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, जो हमारा अभी हाल ही में टेस्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत का, इसमें जो 50 क्वेश्चन आए हुए थे उनका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फटाफट से हम देखते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए पहला ही हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो होता है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन क्या है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। गजनी का कौन सा शासक ऐसा था जिसने खलीफाओं से अपने आप को क्या दिलवाई, सुल्तान की उपाधि दिलवाई, तो वो शासक कौन था। अगर इसकी बात की जाए तो वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की अगर बात करें हम, ये शासक कब बनता है, 998 में यह शासक बनता है और कब तक रहता है, 1030 तक रहता है। इसी बीच ये भारत पर कितने हमले करता है, इसी बीच ये भारत पर 17 हमले करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 से लेकर 1026 के बीच, यहाँ पे 1027 आएगा के बीच, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, उसके बाद सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। तो इसकी अगर बात की जाए, इसका जो सबसे प्रमुख जो हमला था, महत्वपूर्ण जो आक्रमण था, वो था 1025 का। इसका था 1025 का कौन सा अटैक, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे पड़ता है प्यारे बच्चों, ये पड़ता है गुजरात के अंदर। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के अंदर ये पड़ता है। और गुजरात की अगर शासक की बात की जाए तो गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक इस टाइम पे था भीमदेव प्रथम। कौन शासक था, भीमदेव प्रथम, यानी कि इसी को बोल देते हैं हम भीम प्रताप प्रथम, ये यहाँ का शासक था। और इसका पहला हमला जो मोहम्मद गजनवी का 1000 के अंदर हुआ था, इसकी अगर बात की जाए तो 1000 के अंदर ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर इसका पहला हमला होता है। उसके बाद इसका जो आखिरी और 17वां हमला होता है वो होता है 1027 के अंदर। कब होता है, 1027 के अंदर होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है जाटों के विरुद्ध। कहाँ पे होता है, जाटों के विरुद्ध ये हमला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, जो महमूद गजनवी है इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। अगर इसकी बात देखें तो इस्लाम धर्म का प्रचार इसका उद्देश्य था, या गजनी साम्राज्य का विस्तार था, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, इसको मूर्ति भंजक भी बोला जाता है, या इसके बाद एक ऑप्शन में आता है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। महमूद गजनवी के पर भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। तो कौन से ग्रंथ की रचना की है, फटाफट से बता दीजिए। इसका जो ग्रंथ है वो है किताब उल हिंद। कौन से ग्रंथ की रचना की है इसने, किताब उल हिंद की क्या की है जी, रचना की है किसने, अलबरूनी ने। और अलबरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जी सिकंदर लोदी के द्वारा। कब की गई थी, 1504 के अंदर करवाई करेगी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, और कब अपनी राजधानी बनाया, 1506 के अंदर सिकंदर ने अपनी राजधानी बनाई किसको, आगरा को। सिकंदर की अगर बात की जाए, सिकंदर ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था जो 30 इंच का था, जो किसके लिए काम आता था, भूमि पैमाइश के लिए काम आता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। तो दिल्ली का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। तो उस शासक की अगर बात की जाए तो वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक था।
जिसकी मृत्यु कब होती है? 1210 में होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की क्या करता है, स्थापना करता है। और फिर दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो ये चलती है 1526 तक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा? गुलाम वंश। दिल्ली वंश का आखिरी वंश कौन सा? लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ इब्राहिम लोदी। और जैसे ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है उसके साथ ही लोदी वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था जी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, त्राइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? त्राइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो अगर बात की जाए त्राइन की पहली लड़ाई, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, कौन से नंबर का शासक था ये? तीसरे नंबर का ये शासक था। अब बात की जाए महमूद गोरी की, जो मोहम्मद गोरी था अगर इसकी बात करें हम, इसकी चर्चा करें, तो मोहम्मद गोरी की क्वेश्चन आता है भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार, भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार तो वो थी 1178 की। कब की थी? 1178 की थी। बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि 1175 में मोहम्मद गोरी भारत पे अटैक करता है मुल्तान में और वहाँ पे क्या हो जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे भी क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी जीता था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार कब होती है 1178 के अंदर, गुजरात भीमदेव द्वितीय द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको पराजित कर दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने, या यहाँ पे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जी की हत्या कर दी थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जलालुद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो बात की जाए वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और हत्या करके बैठा था गद्दी पे बैठा था कब? 1296 के अंदर। और ये कब तक रहता है? ये रहता है जी 1316 के अंदर ये क्या करता है, शासन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए तो ये किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान पुत्री थी जी इल्तुतमिश की। कब शासिका बनती है ये रजिया सुल्तान? 1236 के अंदर। और कब तक रहती है? 1240 के अंदर रहती है। अब बात की जाए जो इल्तुतमिश का शासनकाल है वो है 1211 से लेकर 1236 तक। लेकिन 1236 में ही एक शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। नाम क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना कुछ टाइम के लिए रहता है, जिसको क्या करते हैं दिल्ली की जनता उतार देती है और फिर रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठा देती है। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? बात की जाए ये इल्तुतमिश का पुत्र था और एक इसकी माताजी थी जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। इसकी माताजी कौन थी? इसकी माताजी थी जी शाह तुर्कान। कौन थी? शाह तुर्कान क्या थी? इसकी माताजी थी। अब बात की जाए शाह तुर्कान माता जी थी किसकी? फिरोज शाह की। फिरोज शाह किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का। लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता जी शाह तुर्कान थी, इसकी और इल्तुतमिश की शादी आज तक कभी नहीं हुई थी। अगर देखा जाए तो इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। जो शाह तुर्कान थी ये कहाँ पे काम करती थी?
ये एक डांस बार में काम करती थी जी, और वहीं से इल्तुतमिश को इससे प्रेम हो जाता है और यहाँ पे एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो बड़ा ही अयोग्य शासक घोषित हुआ। तो सादुक खान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब शासक बनता है फिरोज शाह, तो ये दोनों माँ बेटा मिलकर क्या करते हैं, दिल्ली की जनता पे अत्याचार करते हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता भी इनसे परेशान है और रजिया भी अब यहाँ पे आ जाती है, ये भी इनसे परेशान है। तो दिल्ली की जनता क्या करती है, इनको गद्दी से उतार देती है, रजिया को बैठा देती है। प्रथम महिला शासिका बनी थी कौन, रजिया। उसके बाद बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्थापक था, बलबन और नसरुद्दीन की बात करें तो नसरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का आखिरी शासक था, और बात की जाए बलबन की तो बलबन शासक बना था 1266 में और 1287 तक ये शासन करता है, और इसने एक नीति अपनाई थी आयरन एंड पॉलिसी बल्ड एंड आयरन पॉलिसी लोअर नीति इसने अपनाई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गौरी ने जैसे ही विजित प्रदेश किए भारत के अंदर, तो अब मोहम्मद गौरी ने विचार किया कि अब मैं वापस अपने देश जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जनरल को छोड़ के जाता है, वो कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या करेगा, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। अब बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से और मोहम्मद गौरी से, क्वेश्चन ये आता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने रखी, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो वो रखने वाला है मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और अपने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और प्रॉपर वे से यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन होगा, ये है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुए थे, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। उसके बाद बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बनता है और 1351 तक ये शासक रहता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, त्राइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। त्राइन के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। तो इसका जो अंश्वर रहेगा वो रहेगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। उसके बाद सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा संकेतिक मुद्रा का प्रचलित किया था, जो टोकन करेंसी चलाई थी, तो वो कौन था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यहाँ पे इसकी स्कीम फेल हो जाती है और इसलिए ये योजना इसकी क्या हो गई, फेल हो जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा है, दिल्ली के सुल्तानों को किस इतिहासकार ने विरोधियों का मिश्रण कहा है। तो इसकी अगर बात की जाए तो किसको कहा गया है जी, इसको कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, इसको कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक है, अगर इसकी बात की जाए तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हो जाता है, मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, बहलोल लोधी। दूसरा शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। और तीसरा शासक कौन, इब्राहिम लोधी। तो पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनाम भूमि किसे दी जाती है, इनाम भूमि किसे दी जाती है। तो इनाम भूमि की अगर बात की जाए तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करें, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जो मनसबदार है, क्वेश्चन आता है मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, मनसबदार प्रथा किसने स्टार्ट की थी,
तो इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में होगा चाहिए। और मैं ये बता देता हूँ कि मुगलों में इसका क्या आता है आंसर है, मुगलों ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था, तो वो शासक कौन सा था जिसने मनसबदार प्रथा स्टार्ट की थी। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी वो कौन थी जी, वो थी रजिया सुल्तान, जो 1236 में शासक बनती है और कब तक रहती है 1240 तक ये शासन करती है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, तो वो था नसरुद्दीन। दिल्ली का प्रथम जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने की कोशिश की थी ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि एक बंदे को ये लेके आता है किसको, मलिक काफिर को। मलिक काफिर को जब ये लेके आया तो उसको अब ये नेतृत्व देगा किसका, दक्षिण भारत का। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, यात्री इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो यात्री जो इब्न बतूता था ये था मोरक्को यात्री। कौन था, ये एक मोरक्को यात्री था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन में क्या है, महमूद गजनवी है, तो आप महमूद गजनवी को टिक करोगे। लेकिन ये पूछा जाए, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं होता तो आप इनमें से कोई को टिक करते। अब महमूद गजनवी है तो इसको टिक करोगे, नहीं तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सुबत गीन। क्या आंसर रहेगा इसका, सुबतगीन इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्योंकि सुबतगीन ने भारत पर तीन अटैक किए थे, 986 से लेकर 997 तक, और तीनों अटैक कहाँ पे किए थे, पंजाब के शासक जयपाल पर क्या किए थे, तीनों आक्रमण किए थे। अब क्वेश्चन आता है जयपाल यहाँ पे हारा या जीता, तो जयपाल यहाँ पे क्या हो जाता है, हार जाता है। तीन हमले हुए, तीनों में जयपाल जीतता जीतता हुआ क्या हो जाता है, यहाँ पे हार जाता है। तो ठीक है, तो जयपाल हार जाता है। लेकिन आपने बहुत से जगह बहुत सारे टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा कि जो जयपाल था ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जीत जाता है, क्या हो जाता है, जीत जाता है। और इसका बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने इस पे अटैक किया था, महमूद गजनवी ने इसको पराजित किया था जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जयपाल क्या होता है तीनों अटैकों में ये हार जाता है बेचारा। अपनी किस्मत की वजह से हार जाता है। हारता क्यों है कि एक बार तो तेज आंधी आ जाती है, और एक बार ये घोड़े से गिर जाता है, और एक बार तेज बारिश आ जाती है। जैसे ये घोड़े से गिरा, सेना को लगा कि जयपाल तो अब नहीं रहे, तो सेना क्या कर जाती है, भाग जाती है। हर बार ये जीतता जीतता बिल्कुल जीतने के कगार पर था, उसी टाइम पे जयपाल क्या हो जाता है, हार जाता है। तो अब महमूद गजनवी चौथी बार जयपाल पर अटैक करता है, जयपाल फिर से क्या हो जाता है, हार जाता है। और जयपाल फिर से हारने के बाद ये व्यक्ति क्या करता है, ये आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निमित में से कौन सा अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था, मूर्ति भंजक किसको कहा जाता था, मूर्ति भंजक कहा जाता था महमूद गजनवी को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यामनी उद दौला की उपाधि उसने क्या की थी, धारण की थी।
यामनी उद्दौला और सुल्तान की पार्टी उसको मिली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो प्रथम जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, अगर बात की जाए तो इसके अंदर आएगा क्या, हिंदुशाही। इसके साथ आएगा हिंदुशाही के साथ आएगा। लेकिन इससे पहले हम बात करें, एक आक्रमण ये कर चुका है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर यह अटैक कर चुका है, वहां पे यह अधिकार कर चुका है। लेकिन हिंदुशाही जो जयपाल था उस पर इसका दूसरा अटैक होता है, फेमस अटैक है, इसलिए हम यहाँ पे हिंदुशाही को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया गया, तो हम कहेंगे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर किया गया था। हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी जी वह हिंद, इसको ही ओहिंद भी बोला जाता है, और उदबांडपुर भी इसका नाम क्या करता है, मिलता है। आपने पढ़ा होगा वह हिंद का युद्ध 1001 जयपाल और महमूद गजनवी के बीच, जिसमें जयपाल क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? महमूद गजनवी का भारत में यानी कि 1027 के अंदर जो अंतिम आक्रमण था वो कहाँ पे किया था, 17वां अटैक जो किया था वो किया था जाटों पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलान विद्स आत्महत्या कर ली थी? तो ये कौन था, ये था जयपाल। यहाँ पे भी क्या डाला हुआ है, तुर्कियों से बार बार पराजित होना, क्या तुर्कियों से बार बार पराजित होने के कारण उसने आत्मदाह कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, वो कौन था, वो था जयपाल। अब बात की जाए जो महमूद गजनी था किस वंश का था, ये यामिनी वंश का था। किस वंश का था, यामिनी ये वंश का था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फिरदौसी। किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम बात करेंगे फिरदौसी की। तो अभी बात की जाए किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, हाँ जी ये भारत आए थे, लेकिन यहाँ पे फिरदौसी की हम बात क्यों करें, क्योंकि फिरदौसी इसका राजकवि जरूर है। फिरदौसी क्या है, इसका एक राजकवि है। ये क्या हुआ, इसका है इतिहासकार भी है इसका ये, लेकिन ये इसके साथ भारत नहीं आया था, और बाकी भारत आए थे सारे के सारे, लेकिन ये इसके साथ भारत नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र था? तो कौन सा शहर था ऐसा जो फारसी संस्कृत का केंद्र बना हुआ है, तो ये है जी लाहौर। कौन सा है, लाहौर क्या बना हुआ है, फारसी केंद्र का शहर बना हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला अपने पति की चिता के साथ सवंत को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण देखा था? तो उसका इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा इब्न बतूता। क्या रहेगा, इब्न बतूता इसका आंसर रहेगा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है मोहम्मद गोरी को, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाई थी जी इल्तुतमिश ने। सैनिकों को वेतन के बदले इसने क्या देना स्टार्ट किया, भूमि देना स्टार्ट किया। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन किसने देना स्टार्ट किया, ये दिया था जी अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या किया इसको, नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था जी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ में हम पील बक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पील बक्स भी इसको साथ में कहते हैं। ये लाखों का तो दान देता ही देता था, साथ में क्या देता था, ये हाथियों का दान भी देता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पील बक्स भी कहा जाता है। बात की जाए यहाँ पे इल्तुतमिश का नाम आता है, इल्तुतमिश का एक बड़ा ही फेमस युद्ध है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तर्राइन का तीसरा युद्ध।
कब हुआ था? 1215 में हुआ था, और किस किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, इसकी अगर बात की जाए तो सर्वोच्च अधिकारी 13वीं सदी के अंदर कौन होता था? ये होता था जी खान। कौन होता है? खान होता था 13वीं सदी के अंदर सेना का क्या था, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद और आराम शाह, ये सारे के सारे ही क्या थे? गुलाम वंश के शासक थे। कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया? कुतुब मीनार का कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इसका जो पूरा करवाने वाला शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या करवाया था? पूरा करवाया था। इसका निर्माण कार्य अगर बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसका निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया था जी 1192 के अंदर, लेकिन ये पूरा नहीं करवा इसका बेचारा 1210 में इसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसकी अगर बात की जाए, पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसका जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था जी जयपाल ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रोमन सम्राट अगस्टन की बात सावधान था कि वह दूसरों को शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के सतर्क अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका था? अगर इसकी बात की जाए तो यह संदर्भ किसका था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में। तो इसकी अगर बात की जाए तो ऐसा शासक कौन था? यह था इब्राहिम लोदी, सॉरी बहलोल लोदी क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। क्या नाम आता है जिसका? बहलोल लोदी इसका आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि जो अलबरूनी था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये इसकी बात की जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। अब जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा महमूद गजनवी, क्योंकि अलबरूनी भारत के अंदर आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था जी। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें मिलान करना था, तो बात की जाए इसके अंदर सुमेलित कीजिए, निजामुद्दीन औलिया आएगा यहाँ पे, संत निजामुद्दीन औलिया। ये संत निजामुद्दीन औलिया कौन था? एक सूफी संत था जी। मलिक काफूर की अगर बात की जाए, मलिक काफूर की अगर बात की जाए तो ये हजारी दिनार कहलाता है जी। उसके बाद बात की जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसकी अगर बात की जाए तो ये आएगा, इसका जो आंसर होगा नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। इसने साइन मंडी का निर्माण करवाया था। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये क्या था? दास राजवंश था। क्या था? दास राजवंश। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये आएगा इल्तुतमिश। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आता है? तो अगर इसकी बात की जाए किसके शासनकाल में भारत आता है, तो ये आया था जी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या करता है ये भारत आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया जी। कितनी बार किया? 17 बार इसने भारत पर क्या किया था? अटैक किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो ये था मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। उसके बाद भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो ये जो शुरुआत की थी ये की थी अलाउद्दीन खिलजी। राज्य समुदों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो किस सुल्तान ने किया था उलेमाओं का विद्रोह, तो इसकी बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे 50 क्वेश्चन, और इनमें से मात्र एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो हमने अपने क्लासेज में ना किया हो। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे के यहाँ पे अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।